सभी को नमस्कार भाई और स्वागत है और शानदार सी सुबह। सो आज भाई अपनी गाड़ी का सरप्राइज नंबर आ चुका है, तो अभी सबसे पहले चलते हैं होंडा बिग विंग के शोरूम पे और नंबर उठाते हैं गाड़ी का। कि आज की वीडियो का टॉपिक होगा कि मैंने ये बाइक क्यों खरीदी भाई, मतलब 2 लाख के बजट में मैंने यही बाइक क्यों खरीदी, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे आगे की वीडियो में। सबसे पहले चलते हैं बिग विंग के शोरूम पे एंड अपनी नंबर प्लेट उठाते हैं। वैसे अभी तक तो गेस कर ही लेना चाहिए क्या नंबर होगा यार, दिस इज काइंड ऑफ ऑब्वियस यार। भाई फर्स्ट सर्विस भी हो चुकी है भाई, क्या पिकअप हो रहा है गाड़ी का, गोली जैसा भाई, गोली जैसा। सो भाई अपनी गाड़ी में नंबर लग चुका है और दिखाते हैं आपको पहले नंबर क्या है। ये रहा नंबर MP07ZL9112। यही नंबर अपने चैनल का है और यही नंबर अपने चेतक का भी है, तो अपन ने भी इस गाड़ी में यही नंबर लगवा लिया। सो बन गई ये चेतक नंबर 2। सो भाई आज के वीडियो के टॉपिक पे अपन वापस आते हैं। सो सबसे पहले जो मैं क्राइटेरिया अपना बता दूंगा भाई कि मेरे को क्या, मतलब मैं लेते समय क्या सोच रहा था, सबसे मेन तो जा भैया प्राइस रोकड़ा। तो मेरा जो प्राइस बैरियर था वो 2 लाख का था भाई, 2 लाख से एक ढेला ऊपर नहीं देना मेरे को। 2 लाख भी बहुत, मैं अपने आप मतलब अपना बजट स्ट्रेच करके ले रहा था, तो 2 लाख तो मेरा फिक्स था। सो अब बात करते हैं अपन 2 लाख में आने वाली बाइक्स की। उस समय मैंने कंसीडर करी थी, एक तो ये होंडा सिविक 300F हो गई, ठीक है, इसका क्योंकि प्राइस ड्रॉप ही हुआ था उस समय। जो कंपनी ने पहले तो 270 के करीब लॉन्च करी थी 1 साल पहले, पर बीच में जब इसका प्राइस ड्रॉप हुआ तब ये फिर मेरी लिस्ट में आ गई थी, वरना तो ये ऊपर ही थी। एंड देन उसके बाद मैंने देखी थी पल्सर की N250, अभी जो लेटेस्ट आई ना N250 और F250, वो भी अच्छी बाइक्स हैं। उनको भी मैंने एकदम ऑलमोस्ट ये समझ लो कि अगर ये ना लेता मैं तो पल्सर N250 ले लेता मैं। MT तो मैंने कभी कंसीडर करी ही नहीं भाई, बिल्कुल मेरे को चाहिए ही नहीं थी वो बाइक, नो ऑफेंस पर मेरे को बिल्कुल बाइक पसंद नहीं है भाई। एंड अब आगे बढ़ते हैं अपन, हंटर देखी थी मैंने। हंटर का भी बजट थोड़ा सा 2 के ऊपर ही जा रहा था, पर फिर भी वो लुक्स और मतलब वो बाइक अलग चीज़ है ना यार, ये बाइक्स अलग हैं वो बाइक अलग है, ये बात तो सच है। हर चीज़ में अंतर है, भागने में और चलाने में और फील में। हंटर नो डाउट अच्छी बाइक है, बहुत सही बाइक है, पर फिर मैंने देखा कि भाई मेरे को करनी है लॉन्ग टूरिंग, वो जो उससे भी हो सकती है कोई दिक्कत नहीं उसमें, पर उसका पोस्चर ना मेरे लिए उतना कंफर्टेबल हो नहीं रहा था। जैसे इसका पोस्चर बहुत बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है मेरे लिए, मतलब मैं नॉर्मली बैठा हूँ ना, आगे झुक रहा हूँ ना कुछ, अगर आगे भी झुकता हूँ तो मैं हल्का सा सीट आगे कर ले तो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हो जाता हूँ, तो ऐसा था। तो उसमें थोड़ा मेरे को पोस्चर की दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हंटर ना हल्की सी मानो ना मानो हल्की सी आगे झुकी हुई है, तो ना आपको ऐसे हल्का सा स्पोर्टी पोस्चर आपका जाएगा, और प्लस वो गाड़ी हैवी है भी, तो थोड़ा संभालने वालने में ना फिर एक टाइम के बाद आपके कमर में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और प्लस मैं देख रहा था कि भाई अब आज के टाइम पे यार मानता हूँ रॉयल एनफील्ड की गाड़ियाँ अच्छी होती है, लेकिन वो ना उस टाइप की टेक्नोलॉजी और उस टाइप के फीचर्स वगैरह, फीचर्स भी नहीं, उस टाइप के इक्विपमेंट्स अपनी गाड़ी में दे ही नहीं रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल स्लिपर क्लच वगैरह, ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आजकल 1 लाख की बाइक्स तक में आ रहा है, पर फिर भी रॉयल एनफील्ड नहीं दे रहा भाई अपनी गाड़ियों में। स्लिपर क्लच बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, आप मानो ना मानो, पर स्लिपर क्लच भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है बाइक का, मतलब आपकी सेफ्टी का भी एक तरह से। इस चक्कर में वो फिर गाड़ी फेड होती गई मेरी लिस्ट से, अपनी हंटर। नो डाउट अच्छी बाइक है यार, मेरे को अभी भी बहुत पसंद है। मेरे दोस्त पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे जो पहली डिलीवरी वीडियो थी वो हंटर की ही थी, कोई हेट नहीं भाई, हंटर बहुत अच्छी बाइक है, पर फिर वही है। अब समझ जाओ, मैंने आपको रीजंस बता दिए कि मैंने क्यों नहीं चूज़ की उस बाइक को। वैसे यार मैं बहुत वैसी जगह पर आ गया हूँ, थोड़ा आगे निकलते हैं यहाँ से। सो भाई हंटर को हटाने का रीज़न मैंने आपको बता ही दिया, तो अपन आगे आते हैं। हाँ, NS और RS भी आ रही थी 2 लाख के अंदर, तो उनको क्यों नहीं कंसीडर किया, क्योंकि यार वो बाइक्स मेरे को नहीं पसंद है यार, मतलब मेरे को ऐसी बाइक्स नहीं पसंद जिनको ना बहुत ज़्यादा भगाना पड़े और बहुत स्ट्रेस देना पड़े इंजन को, मतलब एकदम RPM पे भगा रहे हैं, 7-8 हज़ार RPM तक खींच रहे हैं गाड़ी, वो सब मेरे को नहीं पसंद है यार, उससे ना इंजन को बहुत स्ट्रेस पड़ता है, तो उस टाइप की तो बाइक्स मेरे को नहीं चाहिए थी। तो इसलिए मैंने NS और RS ये तो बिल्कुल अपनी लिस्ट से हटाई दी, और MT भी उसी कैटेगरी की बाइक है, तो वो भी मैंने अपनी लिस्ट से हटा दी। फिर अपन आते हैं N250 के ऊपर। सो N250 भी बिल्कुल परफेक्ट मैं ले ही चुका होता ये समझ लो आप, पर उसको हटाने का रीज़न ये था कि फिर मैंने कंपेयर किया ना, क्योंकि देखो N250 ना इससे थोड़ी सी सस्ती है, वो 20-30 हज़ार रुपये सस्ती है इससे, वो 270 के करीब मिल जाएगी, 275 तक आपको ऑन रोड मिल जाएगी। फिर मैंने कंपेयर किया कि इस प्राइस में एक्स्ट्रा मेरे को इसमें क्या क्या मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा में तो एक तो बड़ा इंजन ही मिल रहा है, तो पावर टॉर्क तो ज़्यादा ही है उससे, ठीक है, तो ये तो है ही। एंड फिर दूसरा देखा मैंने टायर उसका 130 सेक्शन का टायर था, और इसमें 150 सेक्शन का टायर बहुत मैटर करता है भाई आपकी ग्रिप के लिए, क्योंकि हल्की वो भी बाइक है,
वो बाइक भी हल्की है और ये तो उससे ज़्यादा हल्की है, पर इसमें टायर बहुत सही दे रखा है कंपनी ने, 150 सेक्शन का, उसमें 130 सेक्शन का टायर है। तो यूट्यूब पे मैंने इतनी वीडियोस देखी हैं भाई उसकी कि गाड़ी स्टेबल ही नहीं है हाईवेज पे, मतलब बहुत बबलिंग करती है, आगे से उठने लगती है और पीछे से ऐसे फड़फड़ाने लगती है। तो जाहिर सी बात है कि आपने टायर पीछे पतला दिया और गाड़ी भी हल्की है तो फिर वो डिसबैलेंस होगी ना। और उसमें USD वगैरह भी नहीं था और छठा गियर नहीं था, बाकी पावर टॉर्क तो अच्छा उसमें भी है। तो भाई N250 को हटाने का भी रीज़न आपने समझ लिया कि मैंने क्यों हटाया। फिर एट दी एंड भाई अपनी यही आनी थी तो यही आ गई, जो भी मेरा क्राइटेरिया था वो मेरा फुलफिल करा। आप मानोगे नहीं, इस बाइक को लेते समय मैंने इतनी रिसर्च करी है भाई। देखो मेरे को चाहिए ना टूरिंग टाइप की बाइक, जिसमें ना ऐसा हो कि इंजन को ज़्यादा स्ट्रेस भी ना देना पड़े और गाड़ी अपना आराम से बिना किसी हेजिटेशन के चलती रहे। जैसे ये बाइक है, इस बाइक के साथ ये सीन है कि इसका जो पावर है ना और उसका जो टॉर्क है वो इनिशियल RPM पे एकदम से आ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है फिर ना, इसके जो पावर है वो हायर RPMs में इनिशियल के मुकाबले थोड़ी सी कम होने लगती है। तो फिर अपन को लगता है कि यार इसमें इनिशियल अच्छा है लेकिन इसका मिड रेंज और टॉप एंड उतना ज़्यादा स्ट्रांग है नहीं, पर ऐसा नहीं होता भाई। इसका स्ट्रांग है पर लेकिन इसी के कंपैरिजन में काम है, मतलब मिड रेंज के कंपैरिजन में इसका टॉप एंड थोड़ा सा लैकिंग है। और मेरे को यही चाहिए था भाई कि जरा से अपन एक्सीलेटर दें और कहीं भी चढ़ना चढ़ जाए, गाड़ी पहाड़ हो गया और मतलब समझ रहे हो ना। तो टॉर्क इसका मेरे को बहुत सही लगा और इसके राइडिंग डायनेमिक्स मेरे को बहुत सही लगे भाई। सो अगर आपको भी बाइक लेनी है तो अपना पहले ना आप एकदम प्रॉपर क्राइटेरिया निकालोगे, आपको किस टाइप की बाइक चाहिए, आपका डेली रूटीन क्या है, आपको क्या करना है उस बाइक से। मेरे लिए तो बेस्ट डील थी और ये मैं इतनी वर्स्ट ऑफ द रोड्स में आ चुका हूँ यार, वीडियो बनाने के लिए भी किस्मत इतनी ख़राब है मेरी कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं सोचा रोड अच्छी होगी यार, यहाँ का व्यू भी मिल जाएगा आपको और प्लस मेरी वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगी, पर ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ की रोडें बनती चली है, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन होती चली जा रही हैं। बाकी ये ग्लव्स भी मैंने ले लिए रॉयल एनफील्ड के, बाइक ने ली तो कम से कम ग्लव्स ही ले लिए मैंने रॉयल एनफील्ड के, बहुत सही है यार, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है पर ठीक है, बढ़िया है, आपको मतलब बेसिक प्रोटेक्शन दे जाएंगे। तो इसमें भी अपन चेतक लिखवाएंगे क्योंकि ये भी अपना चेतक है, ऐसा थोड़ी है यार, वो भी चेतक है एंड ये भी चेतक हो गया। वीडियो को अपन करते हैं यहीं पे समाप्त, होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर आई है तो भाई की वीडियो थम्स अप और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। पर अपना जो कंटेंट है वो है भाई ट्रैवलिंग बेस, तो अगर आपको ट्रैवलिंग वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे आने वाली बहुत बढ़िया बढ़िया राइड्स प्लान करेंगे, थोड़ा अपन आदत डालें बाइक की यार, क्योंकि बाइक की आदत नहीं है ना। मिलते किसी एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।